भोपाल से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां मामा ने अपनी ही भांजी का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना भोपाल के जहांगीराबाद इलाके की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में रहने वाले फराज नाम के युवक ने अपनी 3 साल की भांजी रुमेशा की गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी को लेकर उसके परिजनों ने जानकारी दी है कि वह मानसिक रोगी है और उसका इलाज चल रहा है। आरोपी के बीमार होने के चलते वह कोई काम नहीं करता है। परिजनों ने जब उसे काम करने के लिए कहा तो वह इस बात से गुस्सा हो गया। इस दौरान वह तेजी से घर के अंदर गया और जब तक परिजन कुछ समझ पाते, आरोपी ने हाथ में छुरी लेकर पास में खड़ी छोटी बच्ची रुमेशा का गला रेत दिया। खून से लथपथ बच्ची को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस आरोपी की बीमारी को लेकर डॉक्टरी परीक्षण करा रही है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।